चलिए अब अगली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमारे इस वीवीएल फंक्शन की क्लास में। हमने अभी तक कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अलग अलग। अब इसमें अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसमें क्या है कि मुझे हर थर्ड डेटा को सम करना है, कि जो भी डेटा हम लिखेंगे उसमें से तीसरा डेटा को सम करना है। तो हर थर्ड डेटा को हमें सम करना है। इसके लिए हम एरे का फंक्शन लिखते हैं, लेकिन हम इसको वीवी प्रोग्रामिंग के जरिए करना चाहते हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहां पे देते हैं फंक्शन सम एन के नाम से, सम एन के नाम से तो है, सम आर डी कर देते हैं। हाँ, सम आर डी एन एज ए रेंज ऑन पी एज ए इंटीजर पोजिशन से दिया। तो हर थर्ड डाटा करना है, तो यहाँ पे डिम आर एज ए रेंज और फिर एक और कर देता हूं डिम एस एज ए लॉन्ग, जिसपे पी स्टोर होगा। अब यहां पे हम देंगे कि फोर एच आर इन एन, एन रेंज है और नेक्स्ट एन कर देते हैं। एक और वेरिएबल यहाँ पे एक और लॉन्ग लेना पड़ेगा, एस की जगह पे हम सी लेते हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ पे करते हैं सी इक्वल टू सी प्लस वन और एक और हमें यहाँ पे लॉन्ग निकालना पड़ेगा एम, फिर यहाँ पे लिखेंगे एम इक्वल टू सी मोड पी और फिर यहां पे कंडीशन होगा कि इफ एम इक्वल टू जीरो देन एस इक्वल टू आर डॉट वैल्यू, एस इक्वल टू एस प्लस आर डॉट वैल्यू और यहां पे एंड इफ होगा। और लास्ट में हम करेंगे सम आर डी इक्वल टू आपका एस, फाइनल रिजल्ट है एस के ऊपर। अब चलिए इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं सम आर डी, और हमने इसमें अपना डेटा ले लिया और पोजीशन हमने दिया कि हर थर्ड डेटा, अब थर्ड के जगह पे फिफ्थ फाइव भी लिख सकते हैं, इसलिए हर थर्ड डेटा हमने दिया। अच्छा, यहाँ पे आर होगा, सर बी वन से स्टार्ट करके देखो, बी वन से रेंज। हाँ, इसलिए दिक्कत है, बी वन से स्टार्ट होगा सर। अगर बी टू से स्टार्ट होता है तो फिर आपको इधर आना पड़ेगा, तो इस सीक्वेंस भी देखना पड़ेगा सर आपको। तो ये हर थर्ड डेटा को सम कर दिया। तो कैसे इस कोड को समझते हैं एक बार, उसके बाद आगे बात करेंगे। कोड क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया कि रेंज लिया, यहाँ पे डिफाइन किया कि भाई रेंज हमें लेना है और ये हमारा पोजिशन लेना है कि भाई कितना सम करना है। फिर हमने एक रेंज डिफाइन किया और तीन हमने वेरिएबल्स लिए और फिर हमने फोर इच का लूप लगाया कि फोर इच आर इन एन और फिर हमने काउंट किया कि सी इक्वल टू सी प्लस वन। अब प्रॉब्लम क्या है कि मतलब कि यहाँ पे कोई फोर तो है नहीं, जो इसमें हम हमारा काउंटर रहेगा कि हम पहला है दूसरा है तीसरा है, तो एक हमने बोल दिया कि फोर इच तो हर एक सेल में चलेगा, हमने बोला कि पहला सेल चले तो एक काउंट वन हो जाए और फिर एक मोड निकाला, मतलब कि रिमाइंडर शेष पर निकाला, जितना नंबर उससे डिवाइड करेगा, तीन है तो तीन से डिवाइड किया इस पे,
तो अगर मोड जीरो हुआ मतलब कि ये तीन का रिमाइंडर है, तीन को डिवाइड कर रहा है, डिवाइडर है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एस प्लस आर डॉट वैल्यू, भाई एस के अंदर में आर की वैल्यू को मतलब सेल की वैल्यू को स्टोर कर दो, और ये सिलसिला चलता रहेगा पूरे रेंज पे, जहां जहां तीसरा नंबर आएगा या मोड आपका जीरो हो जाएगा, तीन का मल्टीप्लेक्स आएगा या फिर जो भी पी में डाला हुआ उसका उसका मल्टीप्लेक्स आएगा, मोड आपका जीरो हो जाएगा, जैसे मोड जीरो होगा ये आपका उसकी वैल्यू एस पे स्टोर कर देगा, और फाइनली हम एस पे इसकी वैल्यू को निकाल दे रहे हैं। क्लियर है सर? तो ये हमारा ये रहा। अब बाकी एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन आप लोग खुद, एक दो क्वेश्चन है तो खुद रिसर्च कर लो सर, ये आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही सर, थैंक यू सर। ये फाइल